बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं ये शुरू। तो ये मेरा आखिरी व्लॉग है गांव में, तो कल मैं यहाँ से स्कर्दू जाऊँगा। कल हफ्ता है, आज जुम्मा है, तो स्कर्दू में मैं इतवार तक स्कर्दू में रहूँगा और पीर को मैं स्कर्दू से जाऊँगा जी। तो ये आखिरी व्लॉग है, अभी मैं अपने नाना के गांव जा रहा हूँ, नाना वगैरह और खाला वगैरह से मिलने। फिर आज उनसे मिल के मैं वापस आऊँगा। फिर जो आज आखिरी रात है गांव में, तो कल सुबह तकरीबन 12 बजे तक घर में जाऊँगा। दोपहर के टाइम मैं स्कर्दू जाऊँगा, फिर अपने स्कर्दू जो घर है वहाँ पर मैं अपने भाइयों के साथ 2 दिन रहूँगा। तो आज का जो व्लॉग है वो आखिरी व्लॉग है गाँव में, तो अपने जो है व्लॉग को एंड तक देखना है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। आज कल लोग वहीं से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे जो है हमारा गांव यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़े घर नज़र आ रहे हैं जी, वहाँ पे हमारा गांव है। तो इधर से ऊपर जो गांव है तस्सू वो ये है। तो अभी दोपहर का टाइम है, अभी मैं जुमा पढ़ने जाऊँगा, तकरीबन 11:30 हो चुके हैं। तो अभी टाइम होने वाला है जुम्मे का भी। तो आप देख सकते हैं जी बादल वगैरह को, कितना खूबसूरत मंज़र है जी। तो आज जो है ये आखिरी व्लॉग है, तो चलते हैं जी। तो तकरीबन मैं लाहौर से आए हुए तकरीबन 4 महीने होने वाले हैं। 22 अक्टूबर को जो है वो 4 महीने पूरे हो जाएंगे। तो इस दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा ही गांव में बैठ गया था, थोड़े बस वजूहात की वजह से। तो इससे पहले जो जितने साल मैं यहां पर रुका था, तकरीबन 5 साल हो गया है मुझे लाहौर में। तो उसमें से जब मैं छुट्टी भी आता था तो तकरीबन 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 महीने बैठता था। तो इस दफ़ा मैं जो है वो बहुत ज़्यादा बैठा हूँ। तो जाते हैं जी दोबारा से, ये मेरा शायद आखिरी साल हो लाहौर का। मुझे ज़्यादा दिल नहीं लगता लाहौर बैठने को, क्योंकि मैं मुझे शौक़ है गांव में बैठने का। तो जाते हैं जी। मुझे जो शौक़ है जी वो गांव में बैठ के वीडियो वगैरह बनाना, अपने जो नेचर वगैरह है, गांव की खूबसूरती है, वो दुनिया तक पहुँचाना। तो इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे कि अच्छी चीज़ वगैरह लाए जाएँ, कैमरा वगैरह, ड्रोन वगैरह। फिर आप पहले सपोर्ट करें, फिर ये सारा मुमकिन हो जाएगा। तो आपने जो है मुझे सपोर्ट करना है। तो आज का व्लॉग यहाँ से हम जा रहे हैं जी, यहाँ पे रोड आ चुका है, ये मेन रोड है। तो हमारे गांव से जो है वो मेन रोड यहाँ पे आता है, फिर इधर से जो नीचे है जी वो ये हमारे नाना का गांव है, यहाँ से नीचे आता है। ये जो पूरा इलाका है जी, इसको गोल कहते हैं जी। और हमारे नाना के इलाके में जो है ना वो 3-4 गांव हैं जी। एक स्त्यांदोंग है जी, हमारे नाना का जो गांव है उसको स्त्यांदोंग कहते हैं जी। इसके बाद एक ऊपर गांव है जो उसको यारखोर कहते हैं। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं जी, ये जो है हमारा नाना का गांव यार, बहुत खूबसूरत है जी। तो यहां पे जो है हमारा नाना का जो घर है ना, नाना का जो घर है वो यहाँ पर है जी। तो इसके अलावा जो है ये पूरा इलाका जो है ये गोल है। इधर से जो नीचे आप देख रहे हैं जी, ये स्त्यांदोंग है। तो ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है गांव का वो यारखोर कहते हैं। तो इससे जो आगे उधर तक नज़र आ रहा है जी वो युगा है। तो इधर से ऊपर जो है हमारा गांव है। तो हमारा गांव से जो है वो नाना का गांव तक का सफ़र जो है वो इतना है। तो अभी मैं रोड से जाऊँगा यहाँ से। तो इसके अलावा आप गाँव का नज़ारा यहाँ से देख सकते हैं जी, बहुत प्यारा जो है वो व्यू है जी गाँव का, और यहाँ दरिया भी है। तो दोस्तों फाइनली जो है मैं अपने नाना के घर पहुंच चुका हूं। यहां से जो नीचे है ना हमारे नाना का घर है। तो यहां पे आप देख सकते हैं जी, दरख्त जो है वो कितना खूबसूरत लग रहा है जी। इसमें 2-3 कलर मौजूद है। यहां पे आप देख सकते हैं जी यार, क्या सीज़न आ चुका है यार, बहुत खूबसूरत लग रहा है।
तो हमारा जो गांव था ना वो उधर है, तो इधर से तब यहाँ तक आने का जो है तो तकरीबन आधे घंटे का जो है वो रास्ता है। तो अभी हम जाते हैं जी अपने नाना के घर। तो दोस्तों अभी मैं नाना के घर जो है वो पहुँच चुका हूँ। तो अभी मैं दोबारा से जाऊँगा यहाँ से जुमा पढ़ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी मेरी बकरियाँ वगैरह जो है उनको छोड़ दिया हुआ है पहले ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कितना खूबसूरत यहाँ पे मंज़र है। तो अभी जो है मैं जा रहा हूँ जुमा पढ़ने, जुमा पढ़ के फिर दोबारा वापस आऊँगा। तो दोस्तों यार अभी हम जुमा पढ़ के अभी दोबारा से हम अपने नाना के गांव घर जा रहे हैं यार। तो थोड़ा आप देख सकते हैं जी हमारे नाना का जो गांव है वो कितना जो है वो खूबसूरत है जी। तो अभी जाते हैं जी, अभी जो है वो सूरज भी डूबने वाला है, तकरीबन 2:30 बजने वाले हैं, 1:30। तो दोस्तों अभी मैंने खाना वगैरह जो है वो खा लिया है। तो अभी मैं अभी अपने खाला से मिलने जा रहा हूँ जी। युगो है वो, उनका जो गाँव है जो वो उसको युवो कहते हैं जी। तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ जी अपने खाला से मिलने, फिर उनसे मिलके फिर दूसरे खाला से मिलूँगा, अपनी फूफी से मिलूँगा, फिर उनसे मिलके मैं जाऊँगा जी अपने नाना वाले से मिलके गाँव जाऊँगा। फिर मैं कल जो है वो चला जाऊँगा यहाँ से कर दूँ। तो अपने जो लोग तो दोस्तों अभी जो है मैं अपने खाला वगैरह से मिलके आ गया हूँ। तो अभी जो है अपने नाना के घर को खैराबाद कहते हैं जी, गुड बाय करते हैं। तो इस घर को जो है मैंने आपको बहुत बार दिखाया है, तो लास्ट बार आप देख लीजिए। तो अभी मैं अपने नाना से मिलके जाऊँगा। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जी इसको, ये जो है ये मेरे खाला का जो बेटा है ना, ये है अली रज़ा। तो अभी हम जाएँगे यहाँ से अपने गाँव, फिर कल सुबह तक थोड़ा रोक रखते हैं जी जारी। तो चलते हैं जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी ये पार्सल है जो मुझे मिला है, तो अभी इसको भी लेके जाना है जी लाहौर। तो ये जाएगा साथ लाहौर तक। तो दोस्तों अभी मैं वापस जा रहा हूँ जी अपने गांव। तो अभी तो यहाँ से जो है वो हमारा नाना का जो गांव है वो ख़त्म होता है, इधर से ऊपर जो है हमारा गाँव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कितना खूबसूरत जो है वो व्यू है हमारे नाना के गाँव का। तो दोस्तों अभी सुबह हो चुका है, तो गुड मॉर्निंग। आज आखिरी दिन है अपने भाई के साथ, इसको बड़ा मिस करता हूँ। जो गदरिंगो इन भाई, आज मैंने जाना है, टाटा करो। तो अभी सुबह 7 बज चुके हैं, अभी हमने तकरीबन 12 बजे तक जाना है जी। तो दोस्तों अभी सुबह के जो है वो 7:30 हो रहे हैं। तो मैं अपने भेड़ बकरियों को लेकर आया हूँ, गायों वगैरह को। तो आज जो है उनको आखिरी बार हम खिला रहे हैं जी पत्ते वगैरह। तो सुबह आप देख सकते हैं जी सुबह का मंज़र, इधर से ऊपर देख सकते हैं। तो अभी ये सारे जो है वो पत्ते वगैरह खा रहे हैं जी, इसका ऐसा करके मैं लगाता हूँ, एक इतना बड़ा डंडा होता है इसकी मदद से। तो इनको मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा पत्ते वगैरह खिला दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी ये सारे बड़े मज़े से जो है वो खा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यार इसका जो कलर है वो कितना जो है वो येलो हो चुका है, पत्ते के जो कलर आ रहा है। और आज जो है वो मौसम जो है वो बड़ा खुशगवार है, सर्दी की वजह से अभी धूप मुझे हमें जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है धूप की, ठंड बहुत ज़्यादा लगता है इस वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी यार हमारा ये छोटा सा जुम्बा माशकुनी माजुम्बा है हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यार हमारे गाय, मैं इसको बड़ा मिस करूँगा यार, ये मेरा दोस्त है यार, सबसे ज़्यादा मैं इसको मिस करूँगा। इधर देखो यार, इधर देखो, हम दोनों को देखो, ये मेरे पास बड़े प्यार से बैठता है यार, ये देख सकते हैं यार।
क्यों करूं? ये देखो, नहीं नहीं, मिस यू, मैं इसको बड़ा मिस करूंगा। तो यार दोस्तों, जो है अभी मैं जाने के लिए जो सामान की पैकिंग वगैरह है ना, वो अभी मैं कर रहा हूँ। तो ये वाला जो बैग है यार, मैं इसको लेके जाऊँगा। तो अभी मैं दोपहर को जाऊँगा यहाँ से, स्कर्दू जाऊँगा। तो कल तक मैं स्कर्दू में बैठूँगा, फिर कल जो है वो जाऊँगा तकरीबन 12-1 बजे तक। तो आज का जो है ना, गाँव में आज आखिरी दिन है। तो जो ट्रेवल वाला व्लॉग होगा ना, वो कल जब स्कर्दू से मैं जाऊंगा तब उधर से शुरू करूंगा। तो क्या करना है यार, अपने उस ट्रैवल वाले व्लॉग को भी देखना है। जे स्कर्दू से लाहौर तक का जो सफ़र है वो दिखाऊंगा उस व्लॉग में। तो यार आज आखिरी दिन है, क्या करें, मिस करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी हमारे बाइक को। ओए किधर हो तुम यार, क्या करते हो यार? इसके अंदर सवार हो जाओ। मैं जो है ना अपने इस बाइक को बहुत मिस करूंगा यार। ये मेरा बाइक है, मैं इसको बड़ा मिस करता हूँ। हेलो सर। हेलो, क्या हाल है सर? ठीक हो? ठीक हो। आई लव यू जरी। आई लव यू। मिस यू। तो यार दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, थोड़ा सा जो है पैकिंग हो चुका है। अब जो सामान वगैरह है ना, उसको भी लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी यार, हमारा गांव को आखिरी बार हम देखते हैं कि अपने इस गांव को। और ये मेरा भाई, हाय सी जरी। तो दोस्तों, अभी जो है ना, वो जो एक चीज़ मिला है, ये आप देख सकते हैं जी। पुराने ज़माने में ना इस तरह के जो शीशे वगैरह से ना आग जलाते थे। तो अभी जो है वो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, धूप की ज़रूरत होती है, फिर जो है वो आग हम यहाँ पे जलाते हैं इस तरीके से जी। जो है ना आग जो ना वो जल जाता है यहाँ पे। मैंने नीचे ना वो गोबर रखा हुआ है जी, तो इससे हम आसानी से जो है वो आग जला सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो आग वो पैदा कर रहा है, माना कि ये जल रहा है, एक काम करता है यार। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, यहाँ से जो है ना वो धुआं निकल रहा है। तो यार आज मैंने जाना है, तो अपने जो गांव को है ना, वो आखिरी बार मैं देखूँगा यार। इतना खूबसूरत मंज़र है। आज जो है ना वो थोड़ा सा धूप निकला हुआ है, तो इस वजह से ना वो तो थोड़ा मौसम भी सही है। तो अभी 12 बजे मैं जाऊँगा स्कर्दू। तो जी अपना हमारे साथ रहना है। लामा मैंने लापता पाचर भाभी से बिकी महदे आली बिकी महदे आली। तो दोस्तों, अभी जो है जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, मैंने पेंट शर्ट जो है वो पहन लिया है। यहाँ पे मेरा जो बैग है ना, वो ताला भी लग चुका है यार। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो एक बैग ये है। तो अपने जो गांव है ना, उसको गुड बाय करने का जो वक़्त है ना, वो आ चुका है। क्या करें यार, जाना पड़ता है। तो चलते हैं जी अपने गाँव से स्कर्दू। तो स्कर्दू तक जो है ना, वो व्लॉग जारी रहेगा। दोस्तों, आखिरी लम्हा आ चुका है जी जाने के लिए। तो अभी जाऊंगा, गुड बाय मेरा गांव, मेरा प्यारा गांव। तो
अभी जा रहा हूँ। तो यार क्या करें, जाना पड़ रहा है। तो हमारा जो गाय है ना वो मेरे पीछे पीछे है यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ हमारा जो गाँव है यार, उसको हम अल्लाह हाफिज़ करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं स्कर्दो जो है ना पहुंच चुका हूँ अपने घर। स्कर्दो में अपने भाई वगैरह से आज रात उनसे मतलब मिल के जो बातें वगैरह है वो करके जाऊंगा। तो कल सुबह से ना ट्रैवलिंग वाला जो ब्लॉग है ना वो कल सुबह से शुरू होगा। लाहौर, स्कर्दो से लाहौर तक का जो सफ़र है वो दिखाऊंगा, तो उसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो आज का व्लॉग जो है वह यहीं पर एंड करते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करना है। तो इसके अलावा जो है ना अपने जो वीडियो को है ना शेयर करना है यार। तो आज का लोग यहीं पेंट करते हैं, मतलब मिली से इनको दीजिए इजाज़त। बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।